तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल SMII पे। आइए दोस्तों, बात करते हैं ब्रेनियम क्लाउड की। आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है, सेलिंग है और ब्रेनियम क्लाउड भी देख सकते हो 1.98% नीचे गिर रहा है। कंपैरेटिवली इसमें कम गिरावट देखने को मिली है। इसकी आज प्रीवियस क्लोजिंग देखो 25.30 की है, ओपनिंग 24.20 की हुई थी, हाई इसने 25.10 का लगाया है। अभी ये जो स्टॉक है वो 24.80 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो आइए इसके लेटेस्ट अपडेट ले लेते हैं। नए आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज इस स्टॉक में हैवी सेलिंग है, ये आपको देखना है। ये जो स्टॉक है एक हैवी सेलिंग में दिख रहा है, क्योंकि आज वैसे भी मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इस स्टॉक में भी जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इसका ट्रेडेड वॉल्यूम 1.77 लैक्स के अराउंड है। ट्रेडेड वैल्यू देखें तो 0.43 करोड़ की है। मार्केट कैप 108 करोड़ के अराउंड है और इसकी जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है बहुत ही शानदार है। 92.68% के अराउंड इसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाई दे रही है। अच्छी डिलीवरी जहां पे उठाई भी जा रही है। आइए इसकी एक अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों अभी इस स्टॉक में अनाउंसमेंट आ चुकी है, रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर करने के लिए कंपनी ने अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है। उसके लिए डेट देख लेते हैं कौन सी डेट है दोस्तों, क्योंकि जल्दी ही कंपनी अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको डिक्लेयर करेगी। तो वो रिजल्ट की डेट आप जरूर नोट कर लो, क्योंकि अब आने वाले टाइम में जो भी स्टॉक की परफॉर्मेंस होगी वो उसके रिजल्ट्स पे ही डिपेंड करेगी। ये आपको सबसे पहले जो है वो नोट करना है। रिजल्ट्स आएंगे तभी क्लैरिटी हो पाएगी कि स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है किस तरह की रह सकती है। यहाँ पे देख सकते हो इसके जो दोस्तों अनाउंसमेंट आ रही है, वहाँ पे इसके जो बोर्ड की मीटिंग है वो 14 अगस्त, यानी कि आज चलो 5 है, तो 14 अगस्त को इसके जो बोर्ड की मीटिंग है वो फिक्स कर दी गई है। यहाँ पे देख सकते हो, टू कंसिडर एंड अप्रूव द क्वार्टरली अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द एंड पीरियड एंडेड ऑन द जून। तो जून के रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, ये आपको जो है वो नोट करना है। इसलिए आप 14 अगस्त तक कोई भी पोजीशन अभी इस स्टॉक में ना बनाएं, क्योंकि नंबर सही आए तो फिर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल शो करेगा, नंबर थोड़े ढीले रहे तो फिर इस स्टॉक में जो है गिरावट हो सकती है। दोस्तों कोई भी स्टॉक हो उस पर आप ना फाइनेंशियल रिजल्ट्स चेक किया करो, इधर उधर की बातें मत देखा करो, आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखो। फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे आएंगे तो स्टॉक जरूर आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देगा। बाकी मार्केट में वॉलेटिलिटी तो चलती रहेगी, आप आज नीचे है कल ऊपर आ जाएगी, आज ऊपर है तो कल को नीचे जाएगी। सो थैंक्स अगेन, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल पे दोस्तों नए आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो।